जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आ गए आप, कैसे हो? हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी की छोटी सी फैमिली में। दोस्तों क्विज नंबर 31 यानी कि 31 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीके के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और हमारे साथ जो नए मेहमान हैं उनको बता दें, अगर आपके 16 इससे अबव क्वेश्चन ठीक होंगे आप आएंगे ए कैटेगरी में, 10 और 15 के बीच आएंगे बी कैटेगरी में, 10 से नीचे आ पाएंगे सी कैटेगरी में। ईमानदारी के साथ अपने नंबर काउंट कर लीजिए और हमें कॉमेंट्स कर दीजिए। जो भी फर्स्ट सेकेंड पोजिशन पर आएगा उसका अलाउंस हम नेक्स्ट वीडियो की क्विज में जरूर कर देंगे। तो दोस्तों फटाफट कर लीजिए माइंड को फ्रेश, क्योंकि थोड़ी मठरी वठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिवड़ा लेते चले। कुछ पहला क्वेश्चन, 1976 में जब आपातकाल की घोषणा की गई तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीनों की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्काल राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही म्यूजिकल है और इंटरेस्टिंग है। बिस्मिल्ला खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सभी को पता है इसका जवाब, सही जवाब होगा ऑप्शन सी शहनाई। दोस्तों बिस्मिल्ला खां का जन्म 21 मार्च 1916 में बिहार के अंदर हुआ था। यह प्रसिद्ध शहनाई वादक थे और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। वर्ष 1947 में देश की आज़ादी की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था तब बिस्मिल्ला खां की शहनाई भी आज़ादी का संदेश बांट रही थी। जब से और अब तक हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बिस्मिल्ला खां की शहनाई का वादन एक प्रथा बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतारोहण संस्थान कहां पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तरकाशी। दोस्तों यह उत्तराखंड के अंदर है उत्तरकाशी, और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 14 नवंबर 1965 को स्थापित किया गया था और इसका नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर किया गया था, क्योंकि वो पहाड़ों के शौकीन थे और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में कौन सा मल पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए टैनिक अमल। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी एडम स्मिथ। दोस्तों यह एक दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे और इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही चुलबुला है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी झेलम। दोस्तों ये झेलम नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा को कितने समय के अंदर अनुमोदन होना जरूरी है? राइट आंसर ऑप्शन ए 1 महीना। दोस्तों जितने भी आपके सही जवाब होते हैं ईमानदारी के साथ आप काउंट कर लीजिए और सही सही जवाब हमें कमेंट्स में दे दीजिए, क्योंकि इसमें आपको ईमानदारी दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको आपके लेवल का पता चलेगा, आप कहाँ स्टैंड करते हैं और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी आर्य समाज। उम्मीद है सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अगर पढ़ा हुआ होगा तो जवाब दे देंगे। हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी बांग्ला। अटक गए बाबू। अरे आपको नहीं, आपने तो सही जवाब दिया है, वो भाई साहब अटक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार खींचने योगी सबसे तन्य नम्य धातु कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी सोना। लालची क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी बृहस्पति। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित कौन करता है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इनको आप माइंड में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मीथेन। मरा मित्र, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि इससे हमें ताकत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? राइट आंसर ऑप्शन ए, स्पेन। दोस्तों राफेल नडाल का जन्म 3 जून 1986 को हुआ था और ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, काफी मशहूर खिलाड़ी हैं ये। नए मेहमानों से विनती है हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रेडान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कतर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ, हर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उद्योग मंत्रालय। मुझे पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन का अभी अभी जन्म हुआ है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? राइट आंसर ऑप्शन सी, शुभांगी स्वरूप। तो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन लगभग समाप्त हो चुके हैं और उम्मीद है कि आपने काउंट कर लिए होंगे कितने सही जवाब हैं। तो ईमानदारी के साथ आप हमें बता दीजिए, जो भी मैक्सिमम नंबर लेगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा और उसका अलाउंस हम नेक्स्ट वीडियो की क्विज में जरूर कर देंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपको चैलेंज में कौन सा क्वेश्चन मिलता है। पिछली बार हमने आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया था, लेकिन इस बार थोड़ा टफ क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलता है, क्यूराइल द्वीप विवाद का संबंध किन देशों के मध्य है? ऑप्शन दे दिए गए हैं इस बार आपको, जो भी सही जवाब हो वो आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। और दोस्तों आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो, दिल खोल के कॉमेंट्स बॉक्स आपके लिए ही है, भर दीजिए कॉमेंट्स बॉक्स को, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जैसे आप इसको चलाएंगे, जो भी सुझाव देंगे, आपके सुझाव हमारे लिए एक गोल्ड कॉइन है और हम उन पर विचार करेंगे और उसी हिसाब से चैनल को मॉडिफाई करेंगे, वीडियोस को मॉडिफाई करेंगे। तो दोस्तों ईमानदारी के साथ दीजिए जवाब फटाफट और डिस्क्रिप्शन को और कमेंट्स बॉक्स को प्रॉपर चेक करते रहिए, क्योंकि वहां पर आपके सभी साथी अपने नंबर शो करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आपके कितने सही जवाब आपके साथी के कितने हैं और आप अपना लेवल जांच सकते हैं घर बैठे बिठाए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पिछली क्विज के विनर की, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो छोड़ सकते हैं और प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो। नए मेहमानों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा मित्र, पिछले क्विज के विनर है मोहम्मद रहमत जी, नीरज चौधरी जी, सोहेल अहमद जी, भाई और भाई अलहला बेस का बेस सवाल सही बताया और बिल्कुल सही जवाब अलग लिया जोड़ता बाबूजी दूसरी पोजीशन पर अंकित वर्मा है और इनके साथ में राजकुमार भी हैं। बाबूजी इन्होंने 20 के 20 क्वेश्चन सही बताए और बिल्कुल सही जवाब दिया है, इनके लिए भी जोड़ता है। अरे भाई तीसरी पोजीशन पर हरियाणा जी के और साथ में रोडू लाल जाट भी है, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कोई भी चेंजमेंट हो, आपका कोई भी सुझाव हो मोस्ट वेलकम है, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी।
डिस्प्ले पे जो दो वीडियो शो हो रही है वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।